एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश में। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोलकाता मेट्रो का भी उद्घाटन किया गया है और आज आगरा मेट्रो का भी उद्घाटन किया गया है और साथ ही साथ पुणे और कोची का भी उद्घाटन किया गया है और इसी के साथ स्टार्ट किया गया है दिल्ली मेरठ RRTS के 17 किलोमीटर और हिस्से का। दिल्ली मेरठ RRTS जो कि भारत की सबसे पहली बनाई जा रही RRTS की परियोजना है जो कि दिल्ली और मेरठ के बीच में चलाई जाएगी, जहां पर इसका 17 किलोमीटर का जो हिस्सा था वो लास्ट ईयर यानी कि साल 2023 में स्टार्ट किया गया था, जहां पर आप ट्रेवल कर सकते थे साहिबाबाद से लेकर दुहाई डिपो तक। 17 किलोमीटर का ये हिस्सा था जिसपे हमने और आपने ट्रेवल भी किया, एक्सपीरियंस भी किया है कि क्या कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है NCRTC, और इसमें और 17 किलोमीटर का हिस्सा एड ऑन हो चुका है जिसकी मदद से अब आप 34 किलोमीटर हिस्से पे ट्रेवल कर सकते हैं दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना के अंतर्गत बनाए गए मोदी नगर स्टेशन को भी आप ट्रेवल कर सकते हैं और अब तो मोदी नगर से गाजियाबाद जाना और भी आसान हो गया है। दोस्तों, भारत में पहली बार यह परियोजना बनाई जा रही है जो कि दिल्ली और मेरठ के बीच में होने वाली है। इस पे जो ट्रेन की स्पीड है दोस्तों वह है 160 किलोमीटर प्रति घंटे का। और कमाल की सर्विस NCRTC प्रोवाइड करती है इस ट्रेन के अंदर, जहां पर आपको खाने पीने का सामान भी मिलेगा, जहां पर आपको एक कोच महिलाओं के लिए भी मिलेगा, तो वहीं पर इसमें एक कोच प्रीमियम भी दिया गया है। और साथ ही साथ ये जो पूरा ट्रेन है इसका, ये 6 कोच का है जो कि मेरठ और दिल्ली के बीच में चलाई जाएगी। 82 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको ये कवर कराएगी एक घंटे से भी कम वक्त में, जहां पर आप दिल्ली के सराय काले खां से ट्रेन बोर्ड करेंगे और एक घंटे से भी कम वक्त में मेरठ तक पहुंच जाएंगे। और आज उसी का मोदीपुरम का जो स्टेशन है उस पे हम और आप हैं जो कि बनकर तैयार हो चुका है। वैसे अगर आप कंपेयर करेंगे, कुछ वक्त पहले ही मैंने इसका अपडेट दिया था और उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो बहुत तेजी से इस हिस्से पे काम भी किया गया और मेरे लिए भी ये बहुत सरप्राइजिंग था जब मेरे को ये पता चला कि भाई इसको स्टार्ट कर रहे। आई वॉज लाइक यार ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो कुछ दिन पहले ही हमने इसका अपडेट दिया है, देखा है कि कितना कुछ काम हो गया है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि NCRTC की टीम है, ये कमाल का काम करती है और वही हमें और आपको यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है, जहां पर ये जो स्टेशन है बनकर तैयार है और अब आप यहां से ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मोदी नगर से गाजियाबाद बहुत ही कम वक्त में जा सकते हैं। यानी कि अगर मोदी नगर के सिकंजी को आपको ट्राई करना है तो भाई RRTS की मदद ले सकते हैं आप। NCRTC द्वारा RRTS के जितने भी स्टेशन होंगे दोस्तों वहां पर वॉशरूम की फैसिलिटी फ्री होगी, ड्रिंकिंग वाटर की भी फैसिलिटी फ्री होगी। साथ ही साथ इस RRTS सिस्टम का जो टिकट है वो आप ऐप के जरिए भी बुक कर सकते हो और बहुत कमाल का ये पूरा स्टेशन का लुक दिखता है। वैसे सच बताऊं तो ये जगह पूरी तरीके से बदलने वाली है, एक नई सुबह का आगाज होने जा रहा है इस RRTS ट्रेन की सर्विस को स्टार्ट होने के बाद मोदीपुरम से। इससे पहले जो साहिबाबाद से दुहाई तक के बीच में जो ट्रेन दौड़ाई जा रही थी उसमें आपको ऐसा लग रहा था कि भाई ट्रेन बहुत खाली खाली सा है, इस हिस्से के स्टार्ट हो जाने के बाद यानी कि ये जो 3 स्टेशन स्टार्ट हुए हैं 17 किलोमीटर हिस्से का, चाहे वो बात करें मुरादनगर की या फिर मोदी नगर की, जो दोनों स्टेशन है इनसे अब अच्छा खासा पैसेंजर का मूवमेंट होगा गाजियाबाद और मोदी नगर के बीच में। और अब आपको इस ट्रेन के अंदर रश भी देखने को मिलेगा क्योंकि मोदी नगर से लोगों को अब ट्रेवल करने का एक और ऑप्शन मिल गया। और सबसे अच्छी बात है नीचे ये जो रोड देख रहे हो ना, इस रोड पे भी ट्रैफिक का लोड बहुत हद तक कम हो जाएगा। भारत में पहली बार ये RRTS की परियोजना बनाई गई है और सबसे पहली सर्विस भी इसकी स्टार्ट हुई है उत्तर प्रदेश में, जी हाँ गाजियाबाद में, और अब तो मेरठ भी पहुंच चुकी है। ये मेरठ के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है RRTS की ट्रेन। वैसे मैं आपको बता दूं दिल्ली और मेरठ के बीच में ये जो RRTS की परियोजना बनाई जा रही है, आपको सुनकर प्राउड होगा कि भाई मेरठ में जो इसका हिस्सा है 23 किलोमीटर का
उस 23 किलोमीटर हिस्से में 13 स्टेशन होंगे जहां पर मेरठ मेट्रो की भी सर्विस मिलेगी और साथ ही साथ आरआरटीएस ट्रेन की भी सर्विस मिलेगी। जी हाँ, एनसीआरटीसी द्वारा ये जो परियोजना बनाई जा रही है इस पे एनसीआरटीसी मेरठ में मेरठ मेट्रो की भी सर्विस देगी और आरआरटीएस ट्रेन की भी सर्विस देगी और एक ही ट्रैक पे ये दोनों दौरा करेंगे और एक ही स्टेशन से आप बोर्ड कर सकते हो आरआरटीएस ट्रेन को भी और मेट्रो को भी, आपकी चॉइस है। जी हाँ, बहुत सारे ऑप्शन आपको एनसीआरटीसी देने वाली है और ये भारत में पहली बार ऐसा होगा कि जहां पर एक ही ट्रैक पे मेट्रो भी दौड़ेगी और सेमी स्पीड ट्रेन भी दौड़ेगी। जहां पर मेट्रो का ऑपरेशनल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे का होगा तो वहीं पर आरआरटीएस ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। कमाल का आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा मेरठ के अंदर इन दो नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से, जिसे कि मेरठ मेट्रो कहते हैं और जिसे कि आरआरटीएस कहते हैं। और अब मेरठ बहुत तेजी के साथ बदल रहा है क्योंकि मेरठ में ऑलरेडी एक्सप्रेसवे तो था दिल्ली से मेरठ के बीच में ट्रेवल करने के लिए, बहुत ही कमाल का एक्सप्रेसवे, और साथ ही साथ अब तो आरआरटीएस ट्रेन की भी सर्विस मिलेगी और मेरठ मेट्रो की भी। मेरठ मेट्रो जो है वो आ चुकी है फाइनली, दुहाई डिपो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाता है मेरठ मेट्रो और हम और आप जल्दी इस पर ट्रेवल करेंगे। लेकिन आज बात तो इस नए हिस्से को जो स्टार्ट किया गया उसकी होगी और आज बात इस नए 17 किलोमीटर हिस्से की होगी जहां पर आरआरटीएस की ट्रेन अब दौड़ रही है। तो चलिए, ये था अपडेट दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के 17 किलोमीटर नए हिस्से को जो स्टार्ट किया गया उसका, यानी कि अब आप दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना के 34 किलोमीटर हिस्से पे ट्रेवल कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं एनसीआरटीसी के कमाल के सर्विस का जो कि नमो भारत ट्रेन की मदद से एनसीआरटीसी प्रोवाइड कर रही है। खाने पीने के सामान से लेकर ड्रिंकिंग वाटर तक की फैसिलिटी है और साथ ही साथ वॉशरूम तक की फैसिलिटी है। और इस एनसीआरटीसी के ट्रेन को बोर्ड करने के लिए आप आरआरटीएस कनेक्ट ऐप की मदद से भी टिकट ले सकते हैं, टिकट वेंडिंग मशीन की मदद से भी टिकट ले सकते हैं और टिकट काउंटर की मदद से भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है टिकट लेने का, अगर आप मेरे से पूछोगे, तो वो इनका ऐप है जिसकी मदद से बहुत ही आसानी से आप टिकट को ले सकते हो। तो चलिए, ये था अपडेट जो कि आरआरटीएस की परियोजना का है जहां पर अब मोदी नगर में भी आरआरटीएस की ट्रेन दौड़ रही है। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ताकि सभी को पता चल सके कि उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां पर आरआरटीएस की ट्रेन दौड़ाई गई है और अब वो ट्रेन मोदी नगर में भी दौड़ रही है। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए हर एक देशवासियों के साथ क्योंकि अब आरआरटीएस की ट्रेन दौड़ रही है और वो भी 34 किलोमीटर हिस्से पे। और आज का ये अपडेट देखकर सच बताऊं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे पता है कि एनसीआरटीसी इसके रिमेनिंग हिस्से पे जो कि दिल्ली और मेरठ में काम किया जा रहा है वो इस साल तक बना देगी और आप उस पर ट्रेवल भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसीलिए आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मैं जल्द ही आपसे मिलता हूं।